आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। एवरीवन, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, एडेनिन कैन नॉट पेयर विद साइटोसिन, यानी एडेनिन जो है साइटोसिन के साथ पेयरिंग नहीं कर सकता है, ये रीजन, उसका रीजन बताना है। यानी यहाँ बात हो रही है डीएनए बेस पेयरिंग की। ओके, बेस पेयरिंग का मतलब क्या होता है? बेस पेयरिंग से हम ये समझ सकते हैं जो नाइट्रोजेनियस बेसिस प्रेजेंट हैं उनमें क्या हो रही है, उन बेसिस की पेयरिंग हो रही है। ओके, नाइट्रोजेनियस बेसिस अब कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजेनियस बेसिस दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं हमारे प्यूरिन्स, ओके, और दूसरे कौन से होते हैं? पिरिमिडिन्स। अब प्यूरिन्स के अंडर कौन कौन से आएंगे? प्यूरिन्स के अंडर आएंगे हमारे, सबसे पहले तो आएगा एडेनिन। कौन सा आएगा? एडेनिन। और सेकेंड कौन सा आता है यहाँ पे? ग्वानिन। ओके, वहीं पिरिमिडिन्स के अंदर कौन सा आएंगे? पिरिमिडिन्स के अंदर सबसे पहला आएगा थाइमिन। ओके, और सेकेंड कौन सा आता है यहाँ पे? साइटोसिन। ओके, तो अगर हम ये देखें कि इनमें बेस पेयरिंग हो रही है, तो हम जानते हैं कि कौन सा फिनोमिनन होता है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का फिनोमिनन यहाँ पे होता है। यानी एंटी पैरेलल स्ट्रैंड जो है उसमें क्या होती है? कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में बेस पेयरिंग होती है। यानी प्यूरिन्स जो है एक पिरिमिडिन के साथ बेस पेयरिंग करते हैं। तो हम जानते हैं एडेनिन जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग करता है, और ग्वानिन जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ बेस पेयरिंग करता है। ओके, और यही फॉर्मेशन जब होगा तब क्या होंगे? जो डीएनए है वो फॉर्म होगा और क्या होगा? फंक्शनल होगा। अदरवाइज हम उसे क्या बोलेंगे कि वहां पे म्यूटेशन हो गया है। अब एडेनिन और थायमिन कौन सी पोजीशन पे बेस पेयरिंग करते हैं? पोजीशन होता है उसका 6 and 1। और वहीं ग्वानिन और साइटोसिन जिस पेयर पे करते हैं वो होता है 6 1 and 2। ये क्या है? उसकी पोजीशन है बेस पेयरिंग फॉर्म करने की। ठीक है, अगर हम जानते हैं कि अगर एडेनिन और ग्वानिन क्या करेगा, एडेनिन और साइटोसिन अगर बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिएगा? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम यहाँ करेंगे तो क्या करेगा? डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा स्पेस कवर करेगा। क्या करेगा? वो मोर स्पेस कवर करेगा और क्या होगा? नॉन फंक्शनल रहेगा। उसे हम क्या बोलेंगे? बेसिकली ये म्यूटेशन आ गया है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो एक परफेक्ट बेस्ट पेयरिंग है वो कौन सी होती है? एडेनिन और थाइमिन की, ग्वानिन और साइटोसिन की। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।